अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज खाने में बनाई थी हम लोगों ने बिरयानी, इतनी मज़े की लग रही थी। मेरी छोटी वाली सिस्टर ने जो है वो बिरयानी बनाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं बैठी हुई थी अंदर बिस्तर में, मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा सर्दी और बहन ही बनाई, और आज किचन वाली बाजी भी नहीं आई थी क्योंकि संडे के दिन जो है हमें खुद ही करना पड़ता है, तो इसीलिए उस दिन पराठे मैंने बनाए थे, तो आज बहन ने बिरयानी बना ली। तो सर्दियों में जी खाने पीने का बड़ा मज़ा आता है, दिल करता है नई नई चीज़ें हो खाने को, खासतौर पर पराठे और चाय, तो ओहो क्या मज़े के लगते हैं, क्यों आप ही। तो बस जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये बिरयानी शिरयानी खाने के बाद इसी तरह बिस्तरों में घुसे रहे थे। फिर शाम के टाइम पे भाई ने आना था और उन्होंने फ़ोन कर दिया था, मैं जैसे ही आऊँ तो आप लोगों ने रेडी हो जाना है क्योंकि फिर हम लोगों को जाना था बाज़ार। छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं अब वो कवर करते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही शादी की जो डेट है वो भी मैं रिवील करने वाली, बल्कि आज ही कर दूँगी वो भी, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊँगी शादी के कार्ड भी, उसके अलावा कुछ गोल्ड वगैरह जो है वो देखने जाना था भाभी के लिए, तो वो भी हम लोग अभी जा ही रहे हैं। तो यहाँ पर शाम का टाइम था और मोहम्मद अहमद की तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो गई यहाँ पर, और उसको खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो लग रहा था, तो मैंने कहा कि उसको डॉक्टर को भी एक दफ़ा दिखा देते हैं तो फिर उसके बाद चलते हैं ना। तो फिर मैं इसको पहले तो डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गोल्ड की तरफ। तो अच्छा, जहाँ डॉक्टर के पास मैं इसको लेकर जाने वाली हूँ वहाँ पे सबसे जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना मोहम्मद हसन, तो जब वो बहुत छोटा था यहीं पे वो हुआ था अम्मी के घर ही, तो वो कुछ खाता नहीं था, मतलब 5-6 महीने का 7 महीने का 8 महीने का ऐसे हो गया था, बल्कि 1 साल का ही हो गया था, तो वो कुछ खाता नहीं था, तो इसी डॉक्टर के पास मैं उनको उसको भी लेकर आती थी। तो ये डॉक्टर जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये डांटता भी है और मतलब बोलता है क्यों नहीं बच्चा खाता, खिलाएंगे तो खाएगा ना, ऐसे कैसे नहीं खाएगा। तो ये देखें इसकी बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है, इसको मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे, और ये हैं वो डॉक्टर साहब, इनका जो नाम है आई थिंक डॉक्टर मुख्तार है सादिक है, पता नहीं मुख्तार सादिक कुछ इस तरह से करके नाम है, मैं भूल गई हूँ अब इनका नाम। तो बस अब ये अच्छे से अच्छा प्रॉपर एक एक जो बच्चा होता है ना उस पर तकरीबन 25-30 मिनट लगाते हैं डॉक्टर साहब, उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से देकर और फिर उसकी मेडिसिन वगैरह उसको लिख कर देते हैं। तो ये अभी साइड पे खड़े हुए हैं, तो खुद ही मतलब कि बच्चे का पेट, उसका गला और मतलब कि प्रॉपर उसको चेकअप करते हैं, तो फिर उसको जो है ना वो मेडिसिन वगैरह लिख कर देते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि अभी बहुत छोटा है तो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दे सकते, अगर इससे छोटा होता ना जैसे 1-1.5 महीने का तो फिर उसको हो सकता है हमें दाखिल भी करना पड़ता क्योंकि इसका चेस्ट इन्फेक्शन का मसला है और ये अक्सर फिर बच्चों को सांस जो है ना उसमें प्रॉब्लम होती है। तो बस जी बहरहाल डॉक्टर ने कहा कि इतनी कोई खतरे वाली बात नहीं है, दूध बहुत ज़्यादा निकालता है, मैंने ये भी बताया था, और उन्होंने यही कहा कि अगर बच्चा दिन में 5 दफ़ा भी मोशन करता है तो कोई बात नहीं, अगर बच्चा 5 दिन बाद भी मोशन करता है ना, मतलब कि अक्सर बच्चे जो है वो 5 दिन बाद जो है वो स्टूल पास करते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे का दूध निकालना भी नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें कहते हैं 6 महीने तक जो है ना वो बच्चे के साथ चलती रहती हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ पर आ गए थे हम लोग कुछ वॉशरूम के मैट्स देखने थे, मैट्स देखने के बाद अभी आ गए हम लोग इधर गोल्ड देखने के लिए। तो यहाँ पे अभी ना ये कैजुअल जो सेट होते हैं घर में, जैसे हम लोग रॉकेट चैन जैसे कहते हैं, वो पहनने के लिए देख रहे थे, मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब कि हैवी थोड़े से लग रहे थे आम कैजुअल के लिए ना, मतलब घर में पहनने के लिए ऐसे सेट्स मुझे नहीं लगता कि मुनासिब रहेंगे, और मैं भाई को बोल रही थी कि आप सिंपल चेन देखो और छोटा सा लॉकेट और इस तरह से रिंग्स वगैरह ना, मतलब कि जैसे ईयर रिंग्स वगैरह हो गए ना, तो ये अच्छी लगती हैं, ये क्या कि मतलब आप इतना भरा बड़ा सा सेट ले लो या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए बस अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखते हैं भाई क्या पसंद करते हैं, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी देख रही हूँ मैं भी, ये पेंट ही है वो इसके सिल्वर वाला जी, लेकर हुआ तो जी गोल्ड देखने के बाद अभी हम लोग आ गए थे घंटा घर के बिल्कुल सामने, यहाँ पे बड़ा ही एक फेमस है खान बर्गर वाला, तो भाई ने कहा कि इसका बर्गर खा के देखें, तो ये है जी अंडे वाला बर्गर जो कि कराची में भी बड़ा मशहूर है, अंडे वाला बर्गर।
तो वो यहाँ भी जो है ना वो मिलता है। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ भाई, सियालकोट में रहने वाले जो हैं घंटा घर के बिल्कुल सामने यहाँ पे खान बाबा का खान बर्गर है, तो वहाँ से आप लोग जो है ना खा सकते हैं बर्गर, मतलब कि नॉर्मल या जैसे अंडे वाले बर्गर होते हैं, लेकिन जी कहते हैं बड़े फेमस है क्योंकि सियालकोट ही बड़े कम खाते हैं अंडे शंडे वाले बर्गर, तो जो खाता है तो वो कहता है जी वो आप बड़े मज़ेदार अंडे वाला बर्गर है। और इसके बाद चलते हैं घर पे और चलकर आपको दिखाती हूँ शादी के जो कार्ड्स हैं वो भी आ गए हैं, और शादी की जो डेट है वो भी मैं आपके साथ रिवील करती हूँ, वो भी आप देख लें जी शादी की कौन सी डेट है, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि शादी कब है कब है कब है, तो देख लें। यासीन ये खोलना, बोलो साथ साथ भाई की शादी का कार्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही खूबसूरत बेलबर्ड लगी हुई है और बहुत ही खूबसूरत ये लकड़ी का लगा हुआ है ना जी जी, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। करें ना कि ओपन करें भाई इसको, वाह माशाल्लाह, राना रईस अली विद डीओ एम यकूब, और ये देखें भी माशाल्लाह माशाल्लाह। यासीन तुम्हारा नंबर आ गया सी, चलो कोई बात नहीं, साइड पे करो, इधर साइड पे करो, ये वाला बारात वाला। तो ये है जी 5 फरवरी, ठीक है yes, yes. जबरदस्त, ये सारे कार्ड हैं, कुछ को व्हाट्सएप पे जो है वो कर दिया हुआ है और कुछ को ये वाले कार्ड सेंड करने हैं। तो यहाँ पे जी मेरी सारी बहनों के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, अभी मेरे बच्चे नहीं, जब वो भी आ जाएंगे तो समझे इसमें मज़ीद इजाफा हो जाना है माशाल्लाह से। तो हमारा पूरा हाल जो है आज बुक हुआ था, तो बाहर ही कुछ बच्चों के बिस्तर कर लिए थे, कुछ कमरों में कर लिए, बस इधर उधर सब जो है ना वो बस बिखरे हुए पूरे घर में। चलो भाई सारे सारे बच्चे इधर आ जाओ इकट्ठे होके, तो मेरी सबसे बड़ी बहन की सबसे बड़ी बेटी की बर्थडे थी 13 जनवरी को, जिसने केक जो है वो आज काटा था। तो इसके अलावा ये जो बेटी है ना फातिमा, जो सबसे बड़ी है मेरी बड़ी वाली बहन की, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है हसन, उससे तकरीबन जो है ये कोई 20-22-23 दिन जो है ना वो बड़ी है। तो मेरा बेटा जो बड़ा वाला हसन है वो इसी के जितना है। तो माशाल्लाह से अभी केक कट करके सबको इसने खिलाया है 1 by 1, और इसके बाद जो है हम लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया था, लेकिन मैं सोच रही कि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करने के बाद फिर पार्ट जो है ना वो 2 आएगा इंशाल्लाह कल। और यहाँ पर इसको देखें, फातिमा सबको केक खिलाई थी तो ये मुँह खो रहा था, तो मैंने इसको जूम करके दिखाया आप सबको। तो माशाल्लाह से जी सबको केक खिलाने के बाद अभी फातिमा के पास काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ, देखें ज़रा। छुट्टी जाओ छुट्टी जाओ छुट्टी जाओ, कितने हो गए ने, ओए होए होए, और ले आवे जिन्हें जिन्हें देने ने, छुट्टी जाओ छुट्टी जाओ। वाह फातिमा क्या गिफ्ट जमा रहे हैं, ओए होए, पहले कब की है फातिमा, और किसी ने भी देने तो दो, हमने दो करवानी है, ओए फातिमा क्या पैसे गिर रहे हैं, बस हो गया क्या, आने और किसी ने आए भाई आए, वो कौन करते हुए दिखाओ ना उसकी दी दी। पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा।
दो उसके पैसे, पैसे दो उसके पैसे, खेचो फातमा फातमा खेचो, ले लो मामू से पैसे, लो मामू से पैसे, हाँ ना लो, खेच लो मामू से पैसे, खेचो पैसे खेचो फातमा पैसे खेचो पैसे ले लिए नहीं लिए, खेचो खेचो फातमा खेचो खेचो फातमा खेचो ये बैंक में जमा हो गए पैसे, जी यहीं पे मैं ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ, उसका पार्ट टू आपके साथ शेयर करूंगी कल इंशाल्लाह, क्योंकि रात हमें टाइम हो गया था तकरीबन 2 बजे, ढोलकी वोलकी तो नहीं रखी थी, ऐसे ही टेबल बजाया, खूब सारी मस्तियां की, डांस किया, और काफी जो है ना हम सारी बहनों ने मिलकर मजा किया था, वो आपको पार्ट टू में आएगा, हो सकता है कल शेयर कर दूं, जल्दी कोशिश करूंगी शेयर करने की, लेकिन ये वाला व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, नहीं आने वाले सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।